चलिए आज के दिन एक लाजवाब चटनी बनाने के लिए जा रहा हूँ। जो किस तरह बनाना है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए हम कड़ी पत्ता लेंगे, टमाटर लेंगे और नींबू लेंगे, थोड़ी सी मिर्ची लेंगे, गार्लिक लेंगे और शिमला मिर्च लेंगे। ठीक है, इन सबको मिला करके फिर एक अच्छी सी हम चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले गार्लिक को हम जो हमारा गार्लिक है उसको हम पहले इसको अच्छे से थोड़ा पकाएंगे। अगर यदि आप लोग के पास तंदूर नहीं है तो आप चूल्हे के ऊपर भी पका सकते हैं, जो कि अब लकड़ी वाली जो चूल्हे होती है या फिर गैस होती है उसके ऊपर भी पका। फिर हमने जो शिमला मिर्च लिया है उसको अच्छे से कट करेंगे। कट करने के बाद टमाटर जो था टमाटर को भी कट करेंगे और नींबू जो है नींबू अपने स्वाद अनुसार, जैसे कि जितनी आप क्वांटिटी में बनाते हैं उसके हिसाब से नींबू डालिएगा। ज़्यादा नींबू नहीं डालिएगा, नहीं तो वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। मिर्ची आप दो तीन अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं, जितनी आप खा सकते हैं। हम लोग थोड़ी ज़्यादा खाते थे इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अपने स्वाद अनुसार आप उसमें मिर्ची को डालिएगा। तो इसमें अभी जो है अभी हम फ्राई कर रहे हैं इसको, तो इसमें से हमारा शिमला मिर्च है, जो कड़ी पत्ता और जो हमने मिर्ची लिया था वो तीनों मिक्स करके और इसको थोड़ी सी फ्राई कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा टेस्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्राई करके उसके बाद फिर इसको हम मिक्सर में जो है वो उसको ग्राइंड करेंगे। देख लीजिए कितनी अच्छी लुक आई है। चलिए ये हमारा तैयार हो गया है और अब हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे हमने गार्लिक को पकाने के लिए डाला गया था। तो चलिए हम इसको निकालते हैं और इसको अच्छे से छीलते हैं, क्योंकि देखिए अगर यदि हम इसको छिलका अगर यदि इसके अंदर अगर हम रहने देते हैं तो वो चटनी का मज़ा जो है ना वो ख़राब कर देता है। तो बेहतर होगा कि उसका छिलका हम अच्छे से निकाल लें। ठीक है, तो चलिए अब ये जो है हमारा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। देख लीजिए हमारा कैप्सिकम, नींबू, टमाटर और गार्लिक जो है थोड़ी सी धनिया पत्ता साथ में रखे हुए हैं, इन सबको अब हम मिक्सर ग्राइंडर पर लेके चलते हैं और अब मिक्सर में हम एक एक करके डालेंगे और उसको अच्छे से हम मिला करके उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, नींबू आप इसमें एक डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि देखिए आम ज़्यादा तो लोगों के लिए बना नहीं रहे हैं हम, तो फिलहाल ये जो है ये दो तीन लोगों के लिए बना रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें जो है वो एक नींबू काफ़ी है। ठीक है, और गार्लिक वगैरह सारा कुछ डाल करके इसको अच्छे से हम पेस्ट कर लेते हैं और इसमें नमक स्वाद अनुसार आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसको घुमा दीजिएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब इसके साथ आप पकोड़े के साथ इसको खा सकते हैं या फिर समोसे के साथ खा सकते हैं, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। देख लीजिए कितनी लाजवाब बनी हुई है।